बोलिए जो पीछे हाँ, बोलिए। और 82 से मैं इस संस्था में अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिनदार, तज्ञ संचालक ऐसे काम कर रहा हूँ। आज 41 ईयर्स मैं उधर काम कर रहा हूँ। अभी जो लोग हैं नेतृत्व में, उनके जो काम चल रहे हैं वो प्रोसीजर नहीं चलाते, प्रोसीजर बराबर। अभी जो जगह लिया 2.25 करोड़ का, उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ना जाहिरात दिया, ना सर्च रिपोर्ट लिया, और इसी वजह से क्या हो गया, पूरा सोसाइटी का पैसा आज दूसरी जगह गया और सोसाइटी का नाम भी 7-12 पे नहीं आ रहा है। ये अपना सब पूरा घोटाला हो गया है। सर इसके पीछे कौन है जो इतना बड़ा घोटाला किया हो? इसके पीछे अभी सोसाइटी के जो चेयरमैन है चंद्रकांत पाटिल, और वो सचिव जो है किशोर पाटिल, वो इसके पीछे है। शिवाजी इस मामले पे आपका क्या कहना है? जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये शिक्षकों का, कर्मचारियों का पैसे के साथ में खिलवाड़ किया गया है, क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात ये जो है, ये शिक्षकों की, ऐसे शिक्षकों की, सभी शिक्षकों की नहीं, जो अनुदानित शिक्षक हैं, एडेड स्कूल में ही है। एडेड स्कूल के शिक्षक हैं, और जिनको सरकार का जो शिक्षण विभाग है, शिक्षा खाता है, वो उनको पेमेंट करता है। ऐसे अनुदानित सरकारी पगार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की ये पगारदार पद संस्था है, इसमें आम लोगों को एंट्री नहीं है। ये पहली बात। ये शिक्षकों का पैसा है, शिक्षकेतर कर्मचारियों का पैसा है। शिक्षक अपने देश में एक सम्मानित और पूजनीय माना जाता है। उनके पसीने का, खून का पैसा यहाँ पर रहता है। वो पैसा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सचिव किशोर पाटिल और उनके संचालकों ने ये पैसा गैर तरीके से अपहार कर, भ्रष्टाचार कर उस पैसे को खाया है, और ये गलत बात है। इसका टोटल कितना अमाउंट है? टोटल ऐसे अगर घोटाले निकाले जाए तो कम से कम 70 करोड़ के ऊपर के घोटाले हैं, 70 करोड़ के ऊपर। लेकिन हाल ही ताजा एक बात बताना चाहता हूं, महाबलेश्वर में जगह खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? तो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर हो। लेकिन हमारी संस्था का जो बायलॉज है, उस बायलॉज में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का या फिर उभारने का, खड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सर प्रशासन से क्या मांग है आपकी? तो इन्होंने जो है, दी कराड़ अर्बन बैंक जो है, उस कराड़ अर्बन बैंक ने जो लीलाव निकाला, ऑप्शन निकाला, उस लीलाव में पार्टिसिपेट कर दिया। जबकि 4 साल वो लोग ये लीलाव निकाल रहे थे, 4 बार उन्होंने ऐड दिया था अलग अलग पेपर में, किसी ने उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनको क्या पर्सनल इंटरेस्ट था पता नहीं, इन्होंने तुरंत जो है उस लीलाव की कीमत जो होती है वो भर दी। उसके बाद भी उन्होंने जो आगे का पैसा होता है वो भर दिया, और उसके बाद डायरेक्टर बॉडी में इस प्रस्ताव को रखा कि हमें ये जगह खरीदी करनी है, मंजूरी दीजिए। मतलब पार्टिसिपेट होने के बाद इनको पहले तो टेंडर निकालना चाहिए था, निविदा निकालनी चाहिए थी, उसके बाद किसी तज्ञ को नेम कर उनको सर्च रिपोर्ट निकालना चाहिए था। ये सब इन्होंने कुछ किया नहीं, और डायरेक्टर बॉडी में भी दबाव डालकर इन्होंने मंजूरी ले ली और पैसा भर दिया। पैसा भर, चलो ठीक है, पैसा भर दिया, सब हो गया। तो जगह जो है सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम पे होनी चाहिए ना। ये मार्च में ये सौदा हुआ है, ये सौदा हुआ मार्च में, और आज सितंबर है, सितंबर तक आज जगह सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर नहीं है। जब जगह ही नाम पर नहीं है, ये 7-12 है जनाब, ये 7-12 है, इस 7-12 पे सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का नाम नहीं है। 7-12 आज का है, आज के तारीख का। तो अब किस हिसाब से उस जगह पे बांध काम करने की मंजूरी एजीएम में रख सकते हैं? उस विषय को आप एजीएम में रख सकते हैं। इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, और इस तरह से शिक्षकों का, शिक्षकेतरों का पैसा ये लोग खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने भी उसे एड इंट्रीम दे दिया और उनको 6 तारीख को कोर्ट में बुला लिया है। कोर्ट ने कहा कि भैया आप पेशी कीजिए, सारे सबूत दीजिए, उसके बाद देखेंगे। मतलब कल के एजीएम में, 3 सितंबर को जो एजीएम हो रही है, उस एजीएम में ये 15वां जो मुद्दा था महाबलेश्वर में बांधकाम करने का, उस पर आप डिसीजन ले नहीं सकते, ये कोर्ट ने कह दिया। इतना ही नहीं, हमने जिला उपनिबंधक, हमने आयुक्त सहकार खाता, इनके पास दरखास्त की, उन्होंने भी अधिकारी को नेम कर, अधिकारी को चुनकर
इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई करने के लिए चौकसी जो होती है इंक्वायरी बिठाई है और उसका अहवाल मंगाया है, और जैसे ही अहवाल आ जाएंगे कोर्ट का आगे का रिपोर्ट आ जाएगा, हम उन पर कानूनी तौर पर फौजदारी गुनाह दाखिल करेंगे, क्योंकि ये शिक्षकों का पैसा है। शिक्षक जो है वो कई दो नंबर का धंधा कभी करता नहीं। शिक्षक प्रामाणिक आदमी होता है, उसका पैसा इस तरह से खाओगे तो तुमको कोई कायदा कोई रखेगा नहीं, ना कोई बख्शेगा। इसीलिए इतना ही नहीं, इन्होंने जो बोगस स्कूल, स्कूल है ही नहीं वो, जो बोगस टीचर, जिन टीचरों को गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट सैलरी देता ही नहीं है, ऐसे बोगस टीचर को दर्ज कर उनको सभासद बनाया, उनको लोन दिया, लोन देने के बाद ये लोन 5-10 लाख का नहीं, 25-25 लाखों का लोन दिया, ऐसे एक नहीं 26 शाखाएं, कितने लोग हैं, उनको ऐसा बोगस लोन दिया। बोगस लोन देने के बाद उन सभासद को मृत बता दिया, जिंदा जो है जो बोगस सभासद उन्होंने नमूद किया उसको आगे मृत बता दिया, उसका डुप्लीकेट जो है मृत दाखला डेथ सर्टिफिकेट जोड़ दिया और उनका कर्जा माफ करवा दिया। ऐसा बहुत ही जबरदस्त बहुत सारा प्रैक्टिस इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। तो इन सभी के बारे में इंक्वायरी चालू है और इस इंक्वायरी के जैसे जैसे नतीजे आएंगे, आज जिन्होंने इस शिक्षकों की पकड़दार पतसंस्था को स्थापित किया, ऐसे जे आर पाटिल सर जो तभी से लेकर अध्यक्ष चेयरमैन सेक्रेटरी और आज भी वहाँ पे डायरेक्टर है, ऐसे नहीं कि अभी वो बाहर है, आज भी वो वहाँ पर तज्ञ संचालक, एज अ तज्ञ संचालक डायरेक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने ये सारी कायदे की कार्रवाई की है और आपके सामने आज अपना जो कहना है वो रखा है। 3 सितंबर को AGM है, इस माध्यम से आपके माध्यम से सभी सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के महाराष्ट्र के जितने भी 35,000 के ऊपर सभासद हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज न करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और 3 तारीख को सुबह बराबर 9:30 बजे जो AGM लोअर परेल में रखी हुई है वहाँ पे ज़्यादा तादाद में आइए, इनको विरोध कीजिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में हम सबको सहयोग दीजिए। धन्यवाद राठे और मैं सत्येंद्र सिंह, लगातार पिछले 3-4 वर्षों से लगातार इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं और सभासद के हितों के लिए यह जो चुना हुआ संचालक मंडल है यह जो है अपने नैतिक पदर्पण पर अपने नैतिक स्तर से नीचे आ गया है। जो संस्था सभासदों के हित के लिए है उसका व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ तक कि जब कर्मचारी भर्ती थी इन्होंने अपने रक्त संबंधियों के अपने नाते भाई की भर्ती की, नाते भाई की भर्ती के खिलाफ लेबर कोर्ट सिरा इनको हाई कोर्ट में लेबर कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेबर कोर्ट में सारी भर्ती कैंसिल की, लेकिन इसके बावजूद एकाधिकार जताते हुए अध्यक्ष और सचिव ने उन 17 कर्मचारी हैं उनको फिर से रखा है और उनको पगार जो है सेकेंडरी सोसाइटी के माध्यम से देते हैं। अगर इसको पकड़ा जाए तो हर साल का करोड़ों रुपए का घोटाला यह जो है अपने रक्त संबंधियों को कोर्ट के आदेश के बावजूद पेमेंट करके कर रहे हैं, जो कि सरासर जो है अत्याचार अन्यायपूर्ण कारक है कि दूसरों का हक मारा गया और संस्था के जो सार्वजनिक हित का पैसा है उसको व्यक्तिगत रक्त संबंध में लगाया जा रहा है। यह अत्यंत ही दयनीय स्थिति है और जहां तक कि इसका भी हम विरोध कर रहे हैं, यह इसलिए मीडिया में इसके सामने आपको लाया गया और समय समय पर हम JR पाटिल सर को भी सूचित करते रहे इन विषयों को, लेकिन बाद में जब ये महाबलेश्वर का प्रकरण हुआ तब जाकर सारा जो है एक कैलकुलेशन आया कि वास्तव में यह जो है, क्योंकि अत्याचार या कोई भी विरोध या आरोप लगाना बहुत आसान होता है, सिद्ध करना कठिन होता है। इस बार हमने पेपर से लेकर कोर्ट से लेकर यहाँ तक कि हमारे जो रजिस्ट्रार हैं हर एक प्रूफ हर एक दस्तावेज 32,000 से 35,000 के जो सभासद हैं और रात के 1 बजे या सुबह 4 बजे बोले तो वह भी पेपर हमको प्रस्तुत कर सकते हैं। यह हमारे यह संस्था पे किसी पे आरोप नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि संस्था नैतिक पतन से नीचे जा रही है। और कोर्ट ऑफ कंडक्ट कोर्ट ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्ट जो है उनपे दाखिल हुआ है और उसकी अगली तारीख जो है वो 5 सितंबर उसकी अगली तारीख है, वहां पर कोर्ट का वो भी डिसीजन आ जाएगा। ये बोगस कर्मचारियों की इन्होंने भर्ती की है और सारे खून के रिश्तेदार भरे हुए हैं।